कोरोना महामारी के बीच अयोध्या में राम मंदिर के भूमि पूजन पर बवाल जारी है। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने इस पर तंज कसते हुए ट्वीट किया है। दिग्विजय सिंह ने ट्वीट करके कहा, सनातन हिंदू धर्म की मान्यताओं को नजरअंदाज करने का नतीजा नंबर एक, राम मंदिर के समस्त पुजारी कोरोना पॉजिटिव। नंबर दो, प्रदेश की मंत्री कमल रानी वरुण का कोरोना से स्वर्गवास। नंबर तीन, उत्तर प्रदेश के बीजेपी अध्यक्ष कोरोना पॉजिटिव अस्पताल में। इसके आगे दिग्विजय सिंह ने लिखा कि चौथा अमित शाह कोरोना पॉजिटिव। पांचवा, मध्य प्रदेश के बीजेपी के सीएम और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष कोरोना पॉजिटिव अस्पताल में। छठा, कर्नाटक के बीजेपी के सीएम कोरोना पॉजिटिव अस्पताल में। मोदी जी, आप अशुभ मुहूर्त में भगवान राम मंदिर का शिलान्यास कर और कितने लोगों को अस्पताल भिजवाना चाहते हैं? योगी जी, आप ही मोदी जी को समझाइए, आपके रहते हुए सनातन धर्म की सारी मर्यादाओं को क्यों तोड़ा जा रहा है और आपकी क्या मजबूरी है जो आप यह सब होने दे रहे हैं? बता दें, 5 तारीख को होने पर भूमि पूजन के मुहूर्त पर लगातार विवाद हो रहा है। इसी बीच मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ ने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का स्वागत किया है। न्यूज डेस्क।